उसके तो कोई ना आया। हाँ, इसको बोलो मुझे कोई ना बाहुरा जा से बूझो धाए इतते सब ही जात है भार लदाए लदाए। इसमें झूठ कुछ नहीं, लहरा फिर हमारी मानती है कि जो कुछ हम करते हैं उसका बोझ अपने से ले जाते हैं जी। और फिर दूसरे जन्म में उसका कर्म भोगते हैं। उसकी मिसालें मैंने आपको कल अज्ञा राम जी एक मसाल दी थी, डॉक्टर थी म्यानी में जो था, कि उसने 100 रुपया किसी से लिया था किसी किसी जन्म में, उसके जन्म में बेमारी आ गई उसे दिया, तो इस जन्म में वो दोषी बना उसके पीठ के पीछे घोड़ा था। तो मेरा एक डॉक्टर था म्यानी, मेरी आदत है जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ मेरा एक फैमिली डॉक्टर अपना होता है, वो सारे दुख सुख का बोझ जिम्मेवार होता है। तो उसको उन्होंने डॉक्टर आर्य समाजी का, तो मैंने इसको पूछा अभी तुम ज्योतिष को क्यों मानती हो, तुम ज्योतिष को आर्य समाजी ज्योतिष के फलादेश को नहीं मानते थे, अब तो आर्य समाज की हालत बदल गई, पहले वक्त में ये सबका खनन करते थे, सबका खनन करते थे, नहीं समझ में आती है, वो वक्त और था उस वक्त तक तो आप शायद पैदा भी नहीं हुए थे, तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो उसे ज्योतिषी ने आगे राम ने मुझे अपना वाक्य सुनाया क्या कि मैं अनारकली से जा रहा था, पुराने दिन पुराने वक्त में एक आदमी काले रंग का मथे टिक्के लगाए हुए उसने आगे मेरी पीठ पर हाथ रखा और कहा तेरा नाम क्या है, क्या आज्ञा राम क्या काम करती हो, इसका क्या नाम है, डाकी पड़ता आगे बात सुनो। एक तरफ ले गया, कहने का मैं हूँ ज्योतिषी, मुझे 12 साल का पिछले ये फोड़ा हुआ हुआ है, ये आराम नहीं आता, मैंने ज्योतिष लगाया, मुझे मालूम हुआ ज्योतिष से कि पिछले किसी जन्म में मैंने किसी आदमी से 100 रुपया उधारा लिया था मगर मैंने बेईमानी की उसको दिया नहीं, उसके बदले में मुझे ये फोड़ा है। तो फिर मैंने ज्योतिष लगाया, उसे मालूम हुआ कि जिससे मैंने रुपया दिया था वो पुराने दिन पुराने वक्त में अनार के लिए लाहौर में तुमको मिल जाएगा, मिल सकता है, उसका नाम आ गया, यानी आ है उसके नाम के पहले और डाक्टरी पढ़ता है। तो मैं अपने वतन छोड़कर मद्रास से या यूपी से छोड़कर यहाँ आया हूँ उस दिन के लिए, ये 100 रुपया ले मेरे पीठ का इलाज कर लो। डॉक्टर आगे राम ने मुझे कहा, मेरा फैमिली डॉक्टर था, कि मैंने मजाक से 100 रुपया उसे ले लिया और कार्बन लोशन से उसका पूरा 2 दिन ले लिया, पूरा ही हो गया। फिर उसने कहा भाई पिछला कर्जा तो मुक गया, पिछला कर्जा तो खत्म हो गया, अब तुमने मेरा इलाज किया है, मेरे पास तो पैसा नहीं, तुम अपना टेवा दे दो, मैं हार्स को बना देता हूँ। उसने उसका हार्स को टेवा बना लिया। वो कहता है जो कुछ उसने लिखा महीने का महीने भरा देश वो सब कुछ बिल्कुल मेरा, मेरी औरत, मेरे बच्चों का मतलब सबको ठीक निकलता है। इससे साबित होता है कि हम जब जो कुछ हम जिस जिंदगी में करते हैं अच्छा या बुरा वो हमारे साथ जाता है, उसका असर हमारे दूसरे तुम देखते नहीं हो। कई बच्चे पैदा होते हैं शुरू में ही
उनको चोरी की आदत पड़ जाती है, कई शुरू में ही गुरुनानक की आदत पगत पैदा हो जाती है। नहीं समझ में, वो उनके पिछले जन्मों के संस्कार होते हैं जो इंसान के दिमाग में आते हैं। तो कबीर कहता है कि भाई वहां थे तो कुल आया नहीं, जिसको हम कहें पूछे भी तेरे साथ क्या बीती या क्या हुआ या क्या न हुआ। यहाँ से सब लोग पार अपना लेके जाते हैं, कहीं जो जो कुछ तुम कर्म करते हो, अच्छा या बुरा, नेक या बद, जो कुछ भी तुम करते हो उसका संस्कार तुम्हारे दिमाग के साथ जाता है या तुम मर जाते हो। उसका सबूत मेरे पास अपनी जिंदगी है, मैं कोई बात किताबों की नहीं कहता। आज 42 साल हो गए मुझे काम करते हुए संत मत में, मैंने कोई हवाला ऐसा नहीं दिया जो किसी ने कहा, जो मैंने आजमाया है वो कहा है। हम लोग दुनिया में जो कुछ करते हैं वो हमारा पिछले जन्म का असर होता है, और जो अब करते हैं उनका असर हमारे दिमाग पर पड़ता है। उसका सबूत मैं देता हूँ कि मैंने अपने भूख की वजह से लड़ाई के मैदान में गया, वहां मैंने तार के महकमे में काम किया, शमाशी का काम किया, बाप से प्रेम किया, माँ से प्रेम किया, आदत से प्रेम किया, भाई से, वो इसका बाप मेरा भतीजा आया हुआ है, इसको बाप को मैं 14 साल छोटा था मुझसे, मैं इसको अपना लड़का समझता था। मेरा कोई छुपने में मंदिर, आप लोग या कोई दूसरे आदमी, इतना मैं बाहर फिरता हूँ, आज जितने 18 साल हो गए मानता मंदिर बनाए को, कभी मानता मंदिर या उनके आदमी, उनके सेक्रेटरी, वो वहाँ सारे कर्मचारी कभी छुपने में नहीं आए, मगर तार का महकमा और रेल का महकमा मेरे सिर पर हमेशा सवाल रहता है। मैं आपको बताता हूँ कि हम पार कैसे ले जाते हैं, सबूत दे रहा हूँ कि हम पार कैसे ले जाते हैं। एक दफा का जिक्र सुनाता हूँ आपको, आज को शायद 6 महीने हुए, सपने में किसी ने मुझको खाना लाया, उसमें गोश्त था, तो मैं उनके साथ डर पड़ा, पर मैं तो गोश्त खाता नहीं। सुबह उठा, मैंने सोचा भाई ये सपना आया क्यों, ये सपना आया क्यों मुझको गोश्त का। 1921 में जब मैं बगदाद जा रहा था, सेकंड क्लास मुसाफिर था, तो मैंने वैद्य को बोला कि भाई मैं वेजिटेरियन हूँ, मुझे वेजिटेरियन फूड देना। उसने मुझको दाल या कोई सब्जी बनाई आलू की, वो दी। जब मैंने उसको देखा तो उसमें से मच्छी के टुकड़े थे, तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा भी तुमने तो मुझको, मैंने तुमको कहा था मैं वेजिटेरियन हूँ, अंडा नहीं खाता, मांस नहीं खाता, मच्छी नहीं खाता, कही ये तो मच्छी है, ये तो वेजिटेरियन फूड हम गिनते हैं। मैंने गुस्से में आकर थाली फेंकी, वो जो उस वक्त का गुस्सा मैंने किया हुआ था उसका संस्कार मेरे दिमाग में मौजूद है, मौजूद था। 50 वर्ष के बाद वो ख्याल जो मेरे दिमाग में उस वक्त मैंने गुस्सा किया था वो मेरे सपने में आया। आप बेहतरी हैं, मैं आपको कोई खास चीज बताना चाहता हूँ, इसके लिए कुदरत ने मुझको इस संसार में भेजा है कि सच्चाई को बयान कर जाऊं। जिस कदर हमारे संस्कार हैं उनके मुताबिक वो अपना पिछले जन्म का संस्कार ले आते हैं। कई जगह शादियां होती हैं, देखते हो मैरिजेज आर मेड इन हेवन, ये कहावत है, पिछले जन्म के जहां जहां के जिसके संस्कार हैं, कोई बीवी बनती है, कोई खाउन बनता है, कोई पुत्र बनता है, कोई भाई बनता है, कोई चाचा बनता है, कोई भतीजा बनता है, वो लेने देने के संस्कार एक दूसरे के पूरे होते हैं। ये बिल्कुल सच्ची और सच्ची बात है। अमरजीत अमृतसर का वो एक लड़का है, यहाँ
यूएसए में शिकागो के पास एक जगह है, वहाँ काम अब बिजनेस करता है, बड़ा अमीर आदमी हो गया। उसकी वो अभ्यास करता था 6-7 साल, बल्कि माँ ने उसको अभ्यास में जाकर के अभ्यास करना सिखा दिया और वो 24 घंटे अभ्यास करता रहता। इम्तिहान में कई बार फेल भी हो जाता। जब एम ए में आया तो उसकी माँ मुझे जानती थी, उसने कहा तू बाबी के पास चला जा, वहाँ उनसे मिलते रहना। मेरे पास आया, मैंने कहा बस सुनता तुम जो बात कर तुम अभ्यास छोड़ दे, तू अभ्यास के लायक नहीं है, दुनिया में ना कमजोर रहेगा तू। फिर मैं क्या अभ्यास छोड़ के ब्रह्मचर्य का पालन कर, एक दूसरे फिर तू पढ़, वो बड़ा लायक आदमी हो गया। वो शादी कराने के लिए आया, देखो मैं तुमको बातें बताता हूँ। तो उसने नोटिस दिया अखबार में, एक लड़की थी जो अब उसकी वाइफ है, उसका बाप लड़की की शादी के लिए बड़ा फिक्रमंद था, तो उदार जो रहता था तो लड़की वेलफेयर में काम करती थी, बीए पढ़ के नौकर थी। उसने कहा आप फिक्र मत करो, मेरा खावंद अमेरिका से जहाँ अमेरिका से आएगा और मुझको अमेरिका ले जाएगा, ये मेरे रात को सपने में मैंने ख्वाब देखा है। उसने अब इसे नोटिस दिया तो उसे इसको बुलाया, लड़के को रिश्ता तय हो गया। जब इनके माँ बाप को पता लगा, ये उसकी माँ और बहन दोनों गई दिल्ली लड़की को देखने के लिए, जब वो गई उन्होंने उनके साथ अच्छा सलूक न किया, यानी साड़ी वगैरह रुपया जो कुछ देना होता है वो न दिया, इन्होंने इनकार कर दिया माँ बाप ने कि हम वहां रिश्ता नहीं करते। वो अमरजीत मेरे पास आया, मैंने कहा देख तू चुपके से वहां चला जा, वहां कोर्ट में शादी कर ले और अपनी वाइफ को वहां से सीधा अमरीका ले जा। मैंने उसको ये सलाह दी। जब उसके माँ बाप को पता लगा, जब बाबे ने ये सलाह दिया है वो मान गए, नहीं समझ में आती है। तो उधर इन्होंने पहले इनकार किया था तो बाप रो रहा था, तो लड़की ने बोला कि मंगलवार को सुबह मेरा पति आएगा तुम्हारे पास, मेरी शादी उसी के साथ होगी। शादी के साथ हो गई, उसका टेवा प्रभुसंता में निकला, उसमें लिखा था कि ये औरत जो है ये इस आदमी की पिछले जन्म में भी औरत थी। समझ के मेरी बात को, मैंने कहा क्या ये सारी मसाले मैंने क्यों दी, सिर्फ कबीर के इस बात को साबित करने के लिए कि हम लोग जो कुछ भी यहाँ करते हैं उसका संस्कार अपने साथ लेके जाते हैं। इस वास्ते संत ये कहते हैं कि अगर तुम मोक्ष चाहते हो, जन्म मरण से बचना चाहते हो तो इन संस्कारों को छोड़ो। और वो संस्कार कैसे छूटेंगे आगे सुनो। उठते कोई न बहरा जासे बूझू धाए, इतते सबई जात है भार लदाए लदाए, इतते सतगुरु आया जाकी बुद्ध है धीर, भव सागर के जीव को लगा। अब वो कहते हैं कबीर साहब कहते हैं फिर उससे कोई आया नहीं पूछो, मगर उससे सदगुरु आया, उसमें क्या सीखता है, उसकी जो अनुभव है, अकल जो है, बुद्धि जो है, ये निर्मल साफ है और गंभीर है। वो क्या करता है कि जो जीव इस मन के चक्कर में फंसा हुआ है, भाव सागर कहते हैं हस्ती के समंदर को, तुम्हारा मन का जितना ख्याल है, जितने विचार हैं, अच्छे या बुरे जो कुछ हम करते हैं, ये हमारा भवसागर है। हमारा भवसागर ये है और दुनिया का भवसागर ये सारी दुनिया है।
जोशी हमारा भवसागर हमारे अपने कैलाश का है, जिस पर असर पड़ता है बाहर के भवसागर का, दूसरे का ख्याल का असर पड़ता है ना हम पर पड़ता है, हमारा दूसरे पड़ता है, ये सारा भवसागर है। तो वो कहते हैं सदगुरु आदमी को चीर बनाकर इस भवसागर से पार खोज करना चाहता है। अगर आप लोग मेरे पास आए हैं या और लोग आते हैं, क्या वो भवसागर से निकलने के लिए आते हैं? मैं बेवकूफ हूँ जो संत मत की तालीम आम दुनिया में देता हूँ, मगर मेरे बस की कोई बात नहीं। दाता ने कहा था तालीम बदल जाना, बाबा सावन सिंह ने कहा था निर्भय होकर काम करना, और अब मैं ऊंचा चला गया, मुझसे अब अलग बेद पे पढ़ाई नहीं जाती। मैं आपको लफ्जों में आपकी थोड़ी बहुत बुद्धि है अगर वो समझना चाहे तो वो समझ सकते हैं, बाकी रह जाता है उनका अपना अमल कि वो कैसे करें। तुमने बुलाया मैं आ गया, दाना पानी काम कीजिए के आवे जावे, दाना पानी खेच ले आवे, ये कर्म पिछले जन्म का कुछ तुम्हारा हमारा ये सब साथ होगा। तो वो क्या करता है गुरु जो झील है, आगे बढ़ो। घागर ऊपर घागरी, चोले ऊपर द्वार, सूली ऊपर साथरा, जहां बुलावे यार। ये जब तक कोई सूली नहीं चढ़ता, जब तक वो इस जन्म मरण के चक्कर से द्वैत या त्रिगुणात्मक जगत से पार नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे वो सूली क्या है? सूली में फांसी जब देते हैं तो क्या होता है? आदमी को फटे पर खड़ा कर देते हैं, गले में रस्सा डाल देते हैं, फटे को खींच देते हैं, वो लटक जाता है, यानी उसको कोई सहारा नहीं होता। यही है ना सूली? इसी तरह से जब तक कोई आदमी अपने आप को तमाम सहारों को छोड़कर, तुमको कहता हूँ अजीत सिंह तुमने बुलाया, अभी तुम इस बात के काबिल नहीं हो, मगर किसी ने ये कहा है 100 वर्ष की इबादत से 2.5 घड़ी का सत्संग बेहतर होता है, बाबा सावन सिंह कहा करते थे, और यही सत्संग है। मैं मुझे 100 वर्ष की इबादत है उसका सत्संग आपको 2.5 घड़ी में दिए जाता हूँ। जब तक कोई सूली पर नहीं चलेगा, सूली पर चलने के क्या मैंने, कि जिससे हम लोग हमारे को सूली पर चढ़ाते हैं इस दुनिया में, उसको फट्टे पर खड़ा कर देते हैं, गले में रस्सी डाल देते हैं, फट्टा खींच लेते हैं, वो लटक जाता है, उसका कोई सहारा नहीं होता, ना पांव पर कहीं खैर सहारा है, ना हाथों का सहारा है, कोई सहारा नहीं। इसी तरह से जब तक हमारी सूरत हमारा जो सेल्फ है, ये जिस्म मन ख्यालात रूप रंग सब किसी का भी सब सहारा छोड़ देगा, तब जिस अवस्था में वो जाएगा वो अवस्था है आद अवस्था, जन्म मरण से रहत और अकाल पुरुष जिसको कहते हैं, या अनामी पुरुष कहते हैं, या मुसलमान अल्लाह कहते हैं, या जिसका कोई नाम नहीं, सब नाम उसके हैं। ये बता देता हूँ आपको, जब तक तुम किसी चीज का सहारा लिए हुए हो, तब तक तुम उस अपने असली घर को जहां से हम आए हैं वहां नहीं पहुंच सकते। हरी तुमको सत्संग कराया जाता है, ये लोग इसके अधिकारी हैं या नहीं है? तुमने मुझे बुलाया, फर्ज किया, मैं अपना फर्ज पूरा किए देता हूँ। पड़ोस कड़ी को क्या कहते हैं, सूर्य
गागर ऊपर गागरी चोले ऊपर द्वार सूली ऊपर साछरा जहां बुलावे यार। हमको अगर अपने घर जाना है तो हमको किसका सहारा पकड़ना पड़ेगा? पहले बाहरी कामल इंसान का, जो तुमको राज देगा और भेद देगा और सच्चाई बयान करेगा, तुम समझते हो? फिर जो जाने वाला है फिर वो तुमको नाम देगा। तीन शून्य के पारा वो है देश हमारा, राज विज्ञान की वाणी में लिखा हुआ है। तो तीन शून्य क्या है? जिस्मानियत, दिलियत, दिल के ख्याल और प्रकाश के ख्याल, यानी आत्मा के ख्याल। जब तक इन तीनों का में से किसी चीज का सहारा हम लिए बैठे हैं, तब तक हम हमारा जो असली आद अवस्था है, जात जो हमारी है, उसमें हम नहीं पहुंचते। इस वास्ते बार बार हुक्म दिया जाता है, जीवत गुरु को ढूंढो। तारा सही मत में मरा हुआ गुरु काम नहीं देता। उनकी इज्जत करते हैं, उनकी वाणी को सुनते हैं, समझते हैं, मगर उसमें असलियत नहीं है। जिंदा कामल गुरु की जरूरत है, जो अधिकारी को सच्चाई बयान करे कि संतों का मार्ग क्या है, हम इस दुनिया से हमेशा के लिए कब बच सकते हैं और कैसे बच सकते हैं, और दुनिया में रहकर कैसे सुखी रह सकते हैं। दोनों चीजें मैं आपको बताता हूँ, दुनिया से पार होने की और दुनिया में सुखी रहने की। लोक अलोक पाऊं सुख धामा, चरण चरण दीजे विश्राम, यानी लोक में भी और परलोक में भी हम सुख से रहें, ये गुरु की महिमा है। इसको कौन बताता है? कोई जिंदा गुरु बताएगा। इस वास्ते जितनी इज्जत और मान है वो इस संसार में केवल गुरु की है, बशर्ते कि कोई गुरु हो। अगर वो गुरु लोभी है, लालची है, चेला शिष्य, देखो ना, मैं हूँ, मैं बाहर जाता हूँ, मेरे पास दुनिया परमार्थ के लिए आती है, किसी की औलाद नहीं, वो चाहती है मुझे औलाद के लिए प्रसाद दे दो, किसी के दौलत नहीं है, वो कहता बाबा जी नोट पर दस्तखत कर दो, कोई कुछ कहता है। असलियत और हकीकत के जानने वाले मेरे ख्याल में गुरुनान साहब ने 16 ने सच कहा है, नानक कोटन में को नारायण जनसी। कोटन में को होता है जिसको नारायण की जीत होती है। तो अगर तुम बाहर जाना चाहते हो ताकि फिर मुड़ के इस चक्कर से हमेशा के लिए बचो, तो वो जो बुद्ध मत धीर वाला गुरु है वो क्या कहता है कि भाई सूली पर चढ़ जा, बच्चा चढ़, सूली सूली की है जहाँ तुमको किसी का सहारा ना हो, मगर इस सहारे में चढ़ने के लिए तुमको पहले पौड़ियों का सहारा लेना पड़ेगा। जब पौड़ियां चढ़ जाओगे फिर आगे तुमको सहारे की कोई जरूरत नहीं, मगर शुरू शुरू में कोठे पर आ गया, अब मुझे कुछ सहारे की जरूरत नहीं, मैं कोठे पर आ गया। जब मैं नीचे से ऊपर आया, आपकी 13 पौड़ियां है उसके ऊपर मैं चढ़ता आया चढ़ता है। ये जितने दर्जे हैं, संदेह कमल त्रिकुटी स्वर्ण महास्वर्ण भवन गुफा सतलोक अलग अगम अना, ये है क्या? ये पौड़ियां हैं। पहले बाहर में बाहर के गुरु का सहारा लेना पड़ता है, जिस तरह से आप मेरी बात को सुन रहे हो। असल में सच्ची गुरु भक्ति यही है जो तुम इस वक्त कर रहे हो। सच्ची गुरु भक्ति जिसको बोलते हैं वो यही है, जाके गुरु के पास बैठो और वचन उनके सुनो, जो सुनो उनको विचारो, जो विचारो वो गुनो, ऐसा शब्द है। स्वामी जी कहते हैं, दर्शन करे वचन पुनी सुने, सुन सुन कर इस मन में गुने, गुन गुन कर रहे तिस सारा, कर सार तिस करे आहारा, कर आहार पुष्ट हुआ भाई, जग पाव सब गई।
ये है असली गुरु पर। बाकी यहाँ दुनिया के काम लेने देने के, ये एक दुनिया की बातें हैं, ये दुनिया की बातें हैं। गुरु नहीं भूखा तुम रे धन का, पर तेरा उपकार करा, ये एक संसार का विवाद। तुम अब यहाँ बैठे ये जगह है, अगर 10 आदमी और आ जाए कहाँ बैठाओगे, इसलिए जगह बनानी पड़ती है। गुरु ने दीना भेद अगम का, सुन चली तज देश भरम का, खटकन छूटा दर हरम का, संशय भागा जन्म मरण का, ऐसे ऐसे शब्द है। तो गुरु क्या करता है, भेद देता है, क्या बताता है, बच्चा सुनी चलता। और वो सुनी ये नहीं कि फांसी लग जा, वो सुनी ये है कि अपने आप को जिस्म से निकालो, मन से निकालो, प्रकाश से निकालो, आगे जाओ तो तुम्हारा अपना रूप है, वो है असल में तो है वो अनामी, मगर जब तक वो इस शरीर में है, मैं अनामी पने में आधा मिनट या मिनट से सिवाय ज्यादा ठहर नहीं सकता। मैं तो अपनी बाबत जानता हूँ, मगर शब्द में ठहर सकता हूँ। वो जो शब्द अनामी धाम का, उसको बोलते हैं सार शब्द। शब्द कई है, शब्द तुम्हारे जिस्म में हर जगह, देखो डॉक्टर चूंकी जगह भी देखता है, मतलब है या कि नहीं, हर जगह टूटी लगा था। तो शब्द यहाँ भी होता है, तुम सुनो या ना सुनो, मगर डॉक्टर सुन लेते हैं, कानों में टेलीस्कोप लगा के डॉक्टर से शब्द को सुन लेते। ऐसे ही शब्द है, घंटा शंख है, मृदंग शंख है, ओम शंख है, या रारंग शंख शब्द है। ये जितने शब्द हैं, ये सब प्राकृतिक हैं और दुनियादारों के लिए चाहिए। इसी वास्ते संतों ने आम दुनिया के लिए 5 नाम रखा है। ये 5 नाम का साधन जो है, ये गृहस्थियों के लिए जरूरी है। हर एक दर्जे के अलग-अलग गुण है। जो संत कमल में अभ्यास करता है, उसकी दुनिया की इच्छाएं पूरी होती हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, लोग यहाँ ध्यान मेरा करते हैं, मेरे तो बाप को पता नहीं होता कौन मेरा ध्यान करता है, मगर उनके काम बन जाते हैं। तो इससे साबित हुआ कि ये जो जगह है संसार की, इसमें जो ध्यान करता है उसकी मन की जो आस है उसके अपने लिए, वो पूरी होनी चाहिए और होती है। मेरी होती है, सत्संगियों की होती है जो ध्यान करते हैं, क्योंकि उसने गुरु को इंसान समझा हुआ है। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, दुखी हुए संसार के आगे जम का फंद, गुरु किया है देह को सदगुरु चीना न, कहे कबीर तादाद को तीन ताप फरमा। मैं नहीं चाहता तुम फकीर चंद को गुरु मानो, गुरु तुम्हारी अंदर रहता है। पहला शब्द इसने पढ़ के दिखाया था ना, इसने परशुराम ने, कि गुरु हर वक्त तुम्हारे साथ रहता है। और वो साथ रहने वाली कौन सी चीज है, हमेशा तुम्हारी जात के साथ जो आग शब्द कहलाता है, वो हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम या हम फंसे हुए हैं इस जिस्म में, इस मन के चक्कर में। कैसे फंसे हुए हैं, जीने की आस है, समझते हैं ना, आशा दुनिया चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, औलाद चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं, लंबी उम्र चाहते हैं, ये चाहते हैं, वो चाहते हैं, ये फंसना है, ये फंसना है। इस वास्ते कबीर कहता है, पर्वत को शुरू से उठते कोई ना आया, जाते कोई ना बाहुरा, जा से बूझू धारे, इतते सब जात है, भार लदाए लदाए। आगे
करे। उतते सतगुरु आया जाके बुद्ध है धीर, भव सागर के जीव को कहे लगावे तीर। कैसे लगाता है? वो नाम देता है। क्या नाम देता है? जय फकीर, तू बागरा मत बन, मुझे कहा कर दे दे। कहे बलाना है फकीरवा, तेरे खट में माल खजाना, तू भया दीवाना है फकीरवा। ये दाता के शब्द है मेरे ना, मैं उनसे प्रेम करता था, यानी मेरा उनसे इतना प्रेम था जिस तरह हीर और राजे का या माँ या बेटे का। तो वो मुझे कहते कहे बवाना, तू पागल हो गया तू? कहे बवाना है फकीरवा, तेरे खट में माल खजाना, तू भया दीवाना है फकीरवा। ये बात मेरी समझ में नहीं आती। इस समझ को देने के लिए कि गुरु मेरे पास रहता है, मुझको ये काम किया था। मैं न दावा करता हूँ कि मैं गुरु हूँ, न मैं ये दावा करता हूँ कि मैं चेला हूँ। मैं ना अब चेला रहा ना अब मैं गुरु रहा। मेरी बात समझ में आ गई और मुझको शांति मिल गई, अपने घर का पता लग गया। गागर ऊपर गागरी, चोले ऊपर द्वार, सूली ऊपर साथरा, जहाँ बुलावे यार। गागर ऊपर गागरी, इन कबीर को पता होगा, मैं जो कहता हूँ ये जिस्म है, इसके ऊपर सिर है। आप समझते मेरा मतलब नहीं, श्री में से इसके ऊपर जो जब सबसे ऊपर चला जाता है वहाँ जार बुलाता है। वो जार कौन है? वो जार है शब्द, इसको सार शब्द बोलते हैं। कोई उसको सतनाम बोल देता है, कोई उसको सार शब्द बोल देता है। वो ना घंटा है, ना शंख है, ना मृदंग है, ना रारंग है, ना सारंग है, ना सत्याकार है। वो क्या शब्द है उसको कोई बयान नहीं कर सकता। जिसने सुना उसने सुना, और वो कब सुन सकता है? जब वो शरीर को भूल जाएगा, मन को भूल जाएगा, दुनिया के ख्वाहिशात छोड़ जाएगा, उसको। इस वास्ते ये है मुश्किल। मेरे दादा लिखा हुआ लिखा, जग में जीव रहे बहुतेरे, पर कोई फकीर कोई एका। इसका फिर इलाज क्या है? इसका इलाज यह है कि किसी भी तरह पुरुष को अपनी खोपड़ी में रखो, वक्त आने पर ये काम हो जाएगा। एक मन दूध ले लो, उसमें इतना सा दाब डाल दो, दही इतना सा दही डाल दो, 12 घंटे के बाद या 14 घंटे के बाद वो एक मन दही दूध जो है वो दही बन जाएगा। ये जो ख्याल दिया जाता है, नाम दिया जाता है, ये जाग है। तो जिस्म से निकलने के लिए क्या करना है? हमें सिर्फ अजप्पा जाप, नाम का जो गुरु ने तुमको बख्शा है, किसी को राम राम, किसी को पांच राम, किसी को अल्लाह गुरु, किसी को वाह गुरु, किसी जो भी किसी गुरु ने बताया है, उसका मन के साथ बगैर जुबान हिलाए सिमरन करना। यहाँ क्या होगा? तुम्हारा शरीर सुन सुनने के मैंने ये है कि तुमको शरीर की अपने की होश नहीं रहेगी। उसके बाद फिर ध्यान है, मन संकल्प करता है। रात को तुम सपना देखते हो ना, शरीर की होश नहीं होती, मगर मन तो चलता है, मन तो चलता है, सपना देखते हो। इसलिए सिमरन और फिर ध्यान, हमारे यहाँ गुरु का ध्यान करते हैं, मगर जो गुरु को इंसान समझता है वो आगे नहीं जा सकता। इस वास्ते गुरु जो इष्ट है, जो रूप बनाते हो उसको पूर्ण मानो। अरे दीवानों इतना नहीं देखती, एक औरत है,
उसका बच्चा उसको देखता है, बात करता है, उसके बच्चे की उसके लड़के के मन की हालत और है। उसी औरत को उसका भाई देखता है, उसके साथ बात करता है, उसके भाई की हालत और होगी। उसी औरत को उसका बाप देखता है, लड़की समझता है, उसके मन की हालत और होगी। उसी औरत को उसका भावन देखता है, बात करता है, उसके मन की हालत और होगी। उसी औरत को उसका यार देखता है, उसके मन की हालत और होगी। इसी तरह से तुमने जैसा गुरु को माना हुआ है वैसा तुम्हारा अंजाम होगा। जो कुछ है तुम्हारे अपने ध्यान में है। मैं क्या कह रहा हूँ, सच्चाई को सुनने के लिए आदमी कौन तैयार है? कौन तैयार है? तुम्हारे ध्यान में शक्ति है। इस वास्ते सुमरण से ध्यान से क्या होगा, तुम्हारी विल पावर बढ़ जाएगी, कुवत इरादी बढ़ जाएगी। क्योंकि तुम्हें प्रेम है इसलिए उस ध्यान से तुम्हारे त्रिकुटी में और संत कमल में जाने से तुमको समझ आ जाएगी और तुम्हारे दुनिया के काम हो जाएगी। और अगर तुम शून्य में जाओगे, निरंकार जिसको बोलते हैं, तुम्हें मस्ती आएगी। जिस तरह शराबी शराब पी के मस्त हो जाता है ना, इस तरह से शून्य में रहने वाला आदमी मस्त हो जाता है। उसका क्यों मस्त हो जाता है? क्योंकि उसका जिस तरह शराबी होता है उसका मन इतना फुरना नहीं करता है। इस तरह के चूंकि तुम्हारा मन फुरना नहीं करेगा वहाँ, इसलिए तुमको मस्ती आएगी और वहाँ सरंगी की आवाज होगी। और सरंगी क्यों की आवाज होगी? सरंगी की तारे खींच दो, तारे ठीक कर दो, तुम गद फिरो, आवाज नहीं आएगी। क्योंकि चित्त की वृत्ति ऊपर चढ़ जाती है आसमान के ऊपर दिमाग में, तो तारे वृत्तियां खिंच जाती हैं, उनके ऊपर जब सूर्य चलती है वहाँ जो आवाज पैदा होती है वो रारंग सारंगी या सरंगी की आवाज पैदा होती है। अब आप समझ गए मेरी बात को? मैंने जो कुछ आपको कहा परसों भी मैंने कुछ कह दिया था, आज भी कुछ कह दिया। आगे बढ़ो। कौन सुरत ले आवई, कौन सुरत ले जाए, कौन सुरत इसरे, सो गुरुदेव बताए। सवाल कहने वाले कभी जब कहते कौन सी सुरत यहाँ हमें ले आई है, कौन सी चीज हमें ऊपर ले जाएगी, कौन वहाँ ठहराएगी, उसका जवाब वो देते हैं। हाँ, कौन सुरत ले आई, कौन सुरत ले जाए, कौन सुरत इसरे, सो गुरुदेव बताए। नहीं, ऊपर जाने के लिए हम तो वहाँ से आए हैं ना, कौन सुरत हमको यहाँ नीचे लेके आई और कौन सुरत हमको वहाँ ले जाएगी, कौन तवज्जा हमारी वहाँ ठहराएगी, उसका जवाब आगे। बास सुरत ले आवई, शब्द सुरत ले जाए, परिचय सुरत है इसरे, सो गुरुदेव बताए। अब देखो सुन तो मेरी बात को, बात सुरत ले आई, आशा, हम आशा करते हैं किसी चीज की, याद करें कोई चीज की हो, आज सुरत जो है वो हमको जान ले आती है। और सुरत को शब्द से लगा देने से हम फिर ऊपर जाते हैं। ध्यान हमको मंदिर पर नहीं पहुंचाएगा, गुरु का रूप जो ये है ये हमको वहां उस मंदिर तक नहीं पहुंचा सकता, ये आपको सिर्फ महासुन तक ले जाएगा। गुरु स्वरूप जो है ये आपको महासुन तक ले जाएगा, महासुन से आगे सिर्फ शब्द ले जाएगा। तो कहते हैं बात सुरत लेके आती है और ऊपर ले जाने के लिए अजप्पा जाप और ध्यान फिर शब्द। तो शब्द जो है ये तुमको ऊपर लेके जाएगा।
गांधाम आए आगे जा कारण में जाए था सो तो मिल आए। जिस चीज की मैं तलाश करता था इस साधन से सूली पर चढ़ने से मैं वो चीज मुझको मिल गई। अब मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ बेहया भगी चंद तू बता वो क्या चीज है। वो है शांति, वो है शांति। मैंने अपने तरीके से बयान किया, मैंने अपने तरीके से बयान किया। दादा जान आलम थे उन्होंने इल्मियत के दौर से अपने असलियत को बयान किया। मैं अनपढ़ हूँ, सादा लफ्जों में बिल्कुल सही तरीके से बता देता हूँ। अनाड़ी से अनाड़ी अगली तरह से समझ जाएगा, अगर करे या ना करे उसका मुझे पता नहीं। आगे जा कारण में जाए था सो तो मिलिया आए साईं ते सन्मुख भया लाग कबीरा पाए। अब मुझे नहीं पता कबीर का साई काम था, मैं नहीं जानता। अगर कबीर होता तो मैं उससे पूछता कि आप लोगों ने इतनी बानियां कह के हम गरीबों को बेवकूफ बना करके अपने पीछे लगाया है। वो साई है हमारा शब्द, आप सब जिसको बोलते हैं आप सब, जब वो मिल जाता है वही साई है। मैं जब उसमें गर्क हो जाता हूँ ना मैं रहता हूँ ना तू रहता है, मगर ये हालत कभी दूसरे महीने कभी तीसरे महीने कभी तीसरे दिन कभी पंद्रहवें दिन आती है। वो एक मिनट या डेढ़ मिनट रहती, इससे ज्यादा मेरे पास नहीं रहती। किसी और महात्मा की रहती हो तो मुझे उसका पता नहीं। मैं तो अपनी बाबत जानता हूँ, न मैं किसी की नकल की और न मैं किसी की प्रशंसा की और न किसी को बुरा कहा। जो मेरे साथ बीती मैं वो कहता हूँ। उस वक्त क्या होता है, न मैं न तू हाँ मैं दोनों खत्म हो जाती है। क्या हो जाता है ये कहने सुनने का मजबूर नहीं। कोई वो कहता मैं वो हो जाता हूँ, वो कह जाता है परम तत्व हो जाता है, वो कहता है बूंद समुद्र। बस जहाँ अपनी हस्ती खत्म हो जाती है सूली पर चढ़ के, जैसे आदमी मर जाता है ना, इसे अपनी हस्ती को गुम करके साथ कुल में मिल जाती है। आगे जो आवे तो जाए नहीं, जाए तो आवे नहीं। अकत कहानी प्रेम की समझ ले हो मन माई। वो कहते हैं जब वहाँ पहुँच जाता है फिर आना जाना खत्म नहीं हो, खत्म हो जाता है बिल्कुल। मगर वहाँ कौन पहुँचेगा सिवाय प्रेम के अंदर। जो आदमी बगैर प्रेम के अभ्यास करते हैं उनमें लगन सच्ची नहीं होती, उनके दिमाग खराब हो जाते हैं। ये संत मत दुनिया को पागल नहीं बनाता, ये संत मत इंसान को इंसान बनाता है, बात समझा देता है। अमल करना फिर तुम्हारा काम। अज्ञान की पक्की का आज भी काम खराब है, इसी वजह से संत मत में की कोई किताब नहीं, संत मत की कोई किताब नहीं है। यहाँ दिल की किताब है और किसी कामल गुरु की संगत की जरूरत है। बस सतगुरु उसका वचन और सुनने वाले। आगे कौन देश कह आया जाने कोई नहीं, वह मार्ग पावे नहीं भूल पड़े ये माए। तो इंसान किस देश से आया है उसको नहीं जानता। हम कहाँ से आए हैं, माँ के पेट से। माँ के पेट में बाप के बीज का एक कीड़ा गया, वो बीज का कीड़ा उसके बीज से निकला, बाप के बीज से। बीज नहीं बन सकता जब तक खून न हो। खून बनता है खुराक से,
खुराक नहीं पैदा होती जब तक सूरज सितारों की उसमें किरणें ना हो। तो हमारा ये जो जिस्म है इसका रंग ये किससे बना? प्रकाश से बना। तो प्रकाश ही आत्मा का रूप है। सूरत और है, आत्मा और है। दुनिया ने समझा नहीं, सूरत और चीज है, आत्मा और चीज है। मैं रहा था।